वही कानपुर में बिजली कटौती को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्षी दल सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान है कि इस प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और बिजली की मांग के अनुपात में आपूर्ति अधिक है, कोई संकट नहीं है। और जब हम लोग अपने घर पे देखते हैं रात रात बिजली नहीं आती, जनता के बीच जाते हैं लोग शिकायत कर रहे साहब बिजली नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी भौतिक समस्या का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज अधिकारियों के माध्यम सूचना भेजी है कि हमारे शहर में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, बेताशा फॉल्ट है, इतनी ट्रिपिंग है कि आप संख्या नहीं गिन सकते पूरे दिन में। और उसके बाद जो शाम को पीक आवर का टाइम है जिस समय पानी सप्लाई होती है उस समय खासतौर पर बिजली चली जाती है, तो एक तो बिजली जाती है तो पानी नहीं आता उसकी वजह से, तो इस तरह की समस्या है। उसके ये सब होने के बाद एक तो लोग जूझ रहे थे गर्मी में बिजली को लेके, और साथ में रेड टीम पहुंच जाती है, वो घर के अंदर घुस के महिलाओं से बदतमीजी करती है, कोई एविडेंस भी नहीं देती है, कटिया लिख देती है, और एक बार कटिया लिख दी तो उसकी कोई अपील नहीं है, उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। कटिया लिख दी तो कटिया हो गई और कटिया की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। तो एक तरफ अघोषित विद्युत कटौती, बेताशा फॉल्ट, पीक टाइम पे पानी की आपूर्ति ना हो पाना, और साथ में रेड टीम का क्रूर व्यवहार, टूटे हुए खंभे, लटकते हुए बिजली के तार, टूटे हुए सी पैनल, ये सारी बातों को हम लोगों ने आज उनके पास रखा है। और छोटे अपार्टमेंट जो बन जाते हैं जिनमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा ट्रांसफार्मर के अभाव में, या परिसर बकाया के कुछ झूठे मामले इनके चक्कर में कनेक्शन नहीं करते हैं, कई जगह डुअल एस्टीमेट्स की खबर आई थी, किसी सब्सटेशन में एस्टीमेट नया कनेक्शन कुछ बन रहा है, किसी सब्सटेशन में कुछ बन रहा है। तो सारे जो असली विषय थे जनता से जुड़े हुए उन लोग हम लोगों ने आज एमडी के इसको सामने रखा है, और उम्मीद करी कि मुख्यमंत्री जी तक इन समस्याओं को हमारी पहुंचाने के काम वो करेंगे। कानपुर में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं और इस दौरान बिजली कटौती कोड़ में खाज का काम कर रही है। घंटों कानपुर में बिजली कटौती हो रही है जिससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को रात में आ रही है। रात में फॉल्ट की वजह से रोजाना बिजली काटी जा रही है। रोजाना 2 से 3 घंटे रात में कटौती हो रही है जिससे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही और वो बीमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही लगातार किसको मुख्यालय में शिकायतें पहुंच रही हैं, लोग खुद पहुंच रहे हैं शिकायत करने के लिए। इसके अलावा किसको हेल्प सेंटर में तमाम शिकायतें पहुंच रही हैं, साथ ही साथ किसको एमडी के मोबाइल पर भी शिकायतें पहुंच रही हैं। हजारों की संख्या में शिकायतें हैं जो कि रोजाना किसको पहुंच रही हैं। वहीं कानपुर में रोजाना लाखों लोगों को बिजली कटौती से रूबरू होना पड़ रहा है जिसके चलते उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसको के अधिकारियों का दावा यह है कि वह लगातार चीजों को सुधारने का काम कर रहे हैं, जो फॉल्ट हो रहे हैं उन्हें अटेंड करने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ जो शिकायतें उनको मिल रही है उन्हें अटेंड करके तुरंत ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मांग और सप्लाई में अंतर होने की वजह से लगातार ट्रिपिंग हो रही है और बिजली की समस्या शहर में बनी हुई है। ब्यूरो जर्नलिस्ट कुमार पांडे के साथ श्यांत तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। वहीं नोएडा में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान है। हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है। लोगों का गर्मी को लेकर और बिजली कटौती को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने साफ आदेश दिए कि बिजली कटौती के लिए संबंधित अधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। नोएडा की बात की जाए तो नो पावर कट जोन में इसको रखा गया है क्योंकि बहुत इंडस्ट्री यहां पर है और तमाम वीवीआईपी सेक्टर और सोसाइटी यहां मौजूद है। नोएडा के सेक्टर 100 में हम मौजूद हैं और ये सेंचुरी अपार्टमेंट है। यहाँ के लोग बीती रात पार्क में सोने के लिए मजबूर रहे। हम तस्वीर दिखा देते हैं। तमाम जो लोग हैं इस सोसाइटी के, यहाँ पर करीब 400 के आसपास फ्लैट हैं, 400 परिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पिछले 8 दिन से जब से गर्मी बढ़ी है तब से बिजली की कटौती लगातार ये लोग झेल रहे हैं। 24 घंटे के दावे किए जा रहे हैं, 24 घंटे बिजली आ नहीं रही है, ये दावे में सच्चाई है। पूरी रात हो गई है, 3 दिन से हम लोग पार्क में सोने के मजबूर है, और ऊपर से जब भी कॉल करो या जब भी मैसेज डालो 1912 पे जब कंप्लेंट करो बस त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपना मकान छोड़कर और कई लोगों ने देखे होंगे अब यहाँ पे बका दिया कि हम फ्लैट बेचने के लिए तैयार है। बहुत बुरे हालात है, ऐसे हालात तो कभी नहीं हुए, इससे तो गाँव को बदतर है। लाइट इतने बुरे हाल कर रखे, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती है, दिन में भी नहीं आती, कल 2 बजे से लाइट गई है, रात में 3 बजे लाइट आई है। बिजली विभाग में अब पता नहीं क्या हिसाब है कि ये जो यहाँ पे 3-4 साल से बने हुए अधिकारी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वाई नॉट दे बी ट्रांसफर्ड, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको लाया जाए, जो कर्मठ अधिकारी हैं। आज तक हमने इतनी बड़ी बिजली कटौती नहीं देखी कभी भी नोएडा के अंदर। सरकारी विभाग बिल्कुल भ्रष्ट हुआ पड़ा है, ना ही इसको लेकर कुछ हमारी सुनवाई हो रही है। हमने काफी प्रयास किए, नंबर जो 1076 पे कॉल किया उन लोगों ने बिजली विभाग को ट्रांसफर कर दिया। वो बोले कि इनका प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा तो इसका समाधान मुझे नहीं लगता कभी कर पाएंगे। नहीं रहती है लाइट, नहीं रहती, उसकी वजह से वर्क पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे लैपटॉप चार्ज नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, घर का भी देखना है सब कुछ, तो बहुत ही बहुत बुरा हाल है। गाँव भी इससे ज्यादा बेटर हालात में है और बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। गर्मी है तो वो पढ़ते भी नहीं है,
क्या करें? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद देखना होगा कि अधिकारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव आ पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।